हरे राम 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 हरे हरे। अरे जैसे जब हम ये हरे नाम करेंगे तब हम भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें बताते हैं कि कलयुग का धर्म क्या है। भगवान युद्ध करना है इस अंधकार रूपी माया से युद्ध करना।
दुर्लभम मानुषम जन्म तदीप्या ध्रुव अर्थदम कौमारम आचरत प्रभ्यो। हमें कौमार अवस्था से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कौमारम आचरत प्रभ्यो धर्मान भागवतान्या, ये हमारा धर्म है। कौमारम आचरत प्रभ्यो धर्मान भागवतान्या दुर्लभम मानुषम जन्म तदीप्या ध्रुव अर्थदम। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम मानुष जन्म तदीप्या ध्रुव अर्थदम। इसी को करने से हमें संसार से, इस भौतिक जगत से और इस भवकूप से, इस भव सागर से पार हो पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, पिता मात्य जगतो माता दाता पिता मा पेदा पवित्र ओंकारम ऋषिक्षाम युजरे वचा। क्या बोलते भगवान कि पिता महत्व जगतो माता दाता पितामह, मैं ही पूरे संसार का पितामह हूँ। पिता महत्व जगतो माता दाता पितामह, मैं ही पूरे जगत का, पूरे संसार का, पूरे पंड का पिता माता। पिता महत्व जगतो माता दाता पितामह, दाता और कर्ता मैं ही हूँ। माता दाता पितामह वेदा पवित्र ओंकारम, वेदों में ओंकार हूँ। वेदा पवित्र ओंकारम ऋषिक्षाम यजुर्वेद वचा, और ये जो वेद है उनमें यजुर्वेद हूँ ऋषिक्षाम यजुर्वेद वचा। भक्ते फिर 10वें अध्याय में भी भगवान अर्जुन को बोलते हैं, वेदानां सम वेदोऽस्मि देवानास्मि वासवा इंद्रियाणि मनश्चास्मि भूतश्चास्मि वासवा। क्या बोलते हैं भगवान, वेदानां सम वेदोऽस्मि देवानास्मि वासवा, मैं सभी वेदों में सामवेद हूँ। वेदानां सम वेदोऽस्मि देवानास्मि वासवा, सभी देवों में, वेदानां सम वेदोऽस्मि देवानां, देवानां अर्थात देवताओं में, देवानां अस्मि अर्थात हूँ, देवानां अस्मि वासवा, वासवा अर्थात स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। मैं सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानास्मि वासवा इंद्रियाणि मनश्चास्मि, और मैं सभी इंद्रियों में मन हूँ। इंद्रियाणि मनश्चास्मि, इंद्रियाणि मनश्चास्मि भूतानाश्चास्मि, और ये सभी जीवों में मैं चेतना हूँ। ये भगवान वर्णन करते हैं, पर लोग कहते हैं कि इस भगवान की भक्ति को करने के लिए, भगवान के गुणों को सुनने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं। पर देखो प्रभुपाद जी को देखो कि 70 साल की उम्र में उनके गुरु जी ने उनसे कहा और भगवत गीता इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डिस्ट्रीब्यूट करो, तो प्रभुपाद जी ने उन अपने गुरु का पालन किया और वो घर पे गए भगवत गीता लिखने लगे, और उनने पूरी भगवत गीता लिख दी इंग्लिश में। वो फिर कहीं शेयर करने निकल गए। उनकी वाइफ ने जब पेज देखे तो उन्होंने सोचा कि पैसे चाहिए चाय खरीदने के लिए। तब उनकी वाइफ ने वो जो भगवत गीता प्रभुपाद जी ने लिखी थी उसको बेच दिया तो, और उससे चाय ले आई। जब प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी ने देखा कि कहां है मेरे पेपर, ये भगवत गीता ये मेरे गुरु का आदेश था। उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि कहाँ है, उन्होंने कहा कि वो तो मैंने रद्दी में बेच दी है, उससे एक चाय लिखा दी। जब प्रभुपाद जी ने ये सुना तो प्रभुपाद जी ने एक प्रश्न कर दिया, टी और मी, तुम्हें टी चाहिए कि मैं चाहिए। यदि मेरे को चाहिए तो टी को छोड़ना पड़ेगा, अगर टी चाहिए तो मेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो उनकी वाइफ ने क्या चुना, टी। तो प्रभुपाद जी उसी समय उस घर से निकल गए, बाहर निकल गए, वृंदावन में गए, दोबारा राधा दामोदर मंदिर में गीता भागवत जी सभी लिखने स्टार्ट कर दिए, और बहुत सारे शिष्य बनाए, और अलग अलग देशों में जाके इसी गीता से, इसी भागवत से, इसी भागवत और चैतन्य चरितामृत से प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को हैप्पी बना दिया।
जी ने ऐसे हिप्पियों को हैप्पी बना दिया, ऐसे हिप्पियों को रसगुल्ले खिला खिला के, ऐसे रसमल रबड़ी खिला के प्रभुपाद जी ने उनको भक्त बना दिया है। पर अब तो वृंदावन में आए हैं, वृंदावन में आए हैं और वृंदावन में सभी जो है हमें उसी प्रकार करना चाहिए जैसे प्रभुपाद जी के साथ उनके शिष्यों ने, जो विदेशी थे उनने भी किया। जैसे मातरी है, आज मातरी आई है, भगवान की भक्ति में लग चुकी है, भगवान के हरे कृष्णा महामंत्र में लग चुकी है, भगवान के कीर्तन में आ चुकी है, भगवान में लग चुकी है। वही एव मन आदस्ता मई भक्ति निवेश किया, अपना पूरा मन चिंतन अपना मन इंद्रिया सब भगवान में लगा दी। और हमें भी ऐसा ही भाव लेकर आना चाहिए जैसे भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं, यत करो जी दसनासी चो जी ददासी यत यत तपस्या सी कौंतेया तत कुरुष्पा पदर्पणम। यत करो जी दसनासी, यत करो जी जो कुछ भी करे तो भगवान को करे, व्हाट एवर यू डू यत करो जी यद असनासी, हे अर्जुन जो कुछ भी तुम खाते हो, व्हाट एवर यू ईट यत करो जी यद असनासी यत जो हो सी ददासी, जो कुछ भी तुम दान देते हो, व्हाट एवर यू ऑफर यत ददासी यत तपस्या सी कौंतेया।